हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, ये तो क्लियर हो चुका है कि एम्स और जिपमर की एग्जाम कैंसिल हो चुकी हैं और अभी इंडिया के सभी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अभी एम्स के बीएससी नर्सिंग व अदर कोर्सेज में एडमिशन भी नीट के थ्रू ही होगा। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या नीट का एलिजिबिलिटी कंडीशन में भी कुछ चेंज होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एज लिमिट और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में चेंजिंग होगा, और क्या NYS एडिशनल बायोलॉजी और प्राइवेट कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं क्या, तो इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करेंगे। तो एज लिमिट नीट एम्स व जिपमर में सेम ही थी और अभी नीट में इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें मिनिमम एज 31 दिसंबर 2020 को 17 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी 31 दिसंबर 2003 से पहले का जन्म होना चाहिए। स्टूडेंट का 31 दिसंबर 2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है इसमें, यानी कि कितनी भी साल का इसमें एग्जाम दे सकता है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। अभी एम्स में इन सब्जेक्ट में इंग्लिश के साथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स की कंडीशन थी, मगर नीट में ये 50% मार्क्स की कंडीशन थी। अभी आने वाले टाइम में भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें आपको 50% मार्क्स यूआर कैटेगरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। 40% मार्क्स ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट को होना चाहिए और 45% मार्क्स पीडब्ल्यूडी यूआर कैटेगरी को 10+2 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये कंडीशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अभी हम बात करें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की, तो दोस्तों एम्स का क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में होता था, जिपमर का ओनली इंग्लिश में और नीट का रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता था। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। नीट का पेपर सभी 11 रीजनल लैंग्वेज में आएगा। अब हम बात करेंगे क्या नीट 2020 के एग्जाम के लिए NIOS एडिशनल बायोलॉजी वो प्राइवेट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं क्या। तो दोस्तों, ये सारे कैंडिडेट्स नीट 2020 के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एम्स 2019 व नीट 2019 में भी ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल थे। तो इसमें नीट 2020 के एग्जाम के लिए किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखते हुए ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अभी वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि नीट के एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लिमिट व मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर और NYS कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी के बारे में कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें जो नीट 2019 में था सेम वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आप नीट 2020 के लिए प्रिपरेशन करें बिना किसी डाउट के। बाकी ये 1 दिसंबर 2019 को जब नीट का 2020 का इन्फॉर्मेशन बुकलेट आएगा उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आपने सिर्फ तैयारी करनी है नीट की, इसके अलावा और कोई टेंशन नहीं रखनी है। तो ये जानकारी थी नीट के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट न जाए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।